हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फिर मेरा आज 5 साल हो चुका है मौली फिश का ब्रीडिंग करते हुए। इस फिश को मैं बहुत सालों से, जैसे कि अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोग देखे होंगे, 1.5 फीट के साथ मैंने अपने टैंक का स्टार्ट किया था इस फिश का ब्रीडिंग करते हुए, प्लांटेड टैंक बनाया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक कैसे ग्रो करते किया, आज मेरे पास इतना सारा बेबी फिशेस मौली फिशेस का बनते रहता है जिससे कि मैं भी परेशान हूँ। तो ये कैसे मेरा ये सारा ब्रीडिंग स्टार्ट हुआ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है जिससे कि मुझे इतना सारा बेबीज़ वगैरह मिलता है, ये सारी चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस फिश के बारे में। मेरा लाइफ में सबसे पहला फिश यही है, इसको ही मैं सबसे फर्स्ट टाइम अपने टैंक में ब्रीडिंग किया हूँ, उससे मुझे बहुत सारा बेबीज मिला है। इससे पहले मैं कोई भी फिश जैसे कि पैरेट, ऑस्कर, बेटा फिश, ये सारी चीज़ का मैं कभी भी ब्रीडिंग नहीं किया था। यही फिश जो है ये सबसे फर्स्ट फिश है जिसका मैं सक्सेसफुली ब्रीडिंग कर पाया था, उससे मुझे ढेर सारा बेबीज मिला था। उसके बाद मेरा फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल हुआ, बहुत सारा बेबीज़ मिला, लेकिन मेरे पास धीरे धीरे बच के बहुत ही कम बेबीज़ आता था, मतलब वो लोग बहुत ही जल्दी मरना स्टार्ट हो जाता था। मुझे इसका रीज़न समझ में नहीं आता था कि मेरे पास इतना कम बेबीज़ बचता क्यों है। धीरे धीरे करके 5-6 बेबीज़ बचता था, या फिर वो 5-6 बेबीज़ अगर बच भी जाता था तो उसका ग्रोथ एकदम ही स्टॉप हो जाता था। तो मैं उस चीज़ के बारे में वर्क करते गया, बहुत सारा रिसर्च करते गया, धीरे धीरे करके मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला। फिर से जब मैं ब्रीडिंग किया तो इस टाइम पे मुझे पहले बार से बहुत ही ज़्यादा इजी लगा। इस टाइम पे मेरा थोड़ा सा क्वांटिटी फिशेस का जो है वो बढ़ गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब ब्रीडिंग किया तो इस टाइम और ईजी लगा। तो ऐसे करते 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 अब 5 ईयर्स हो चुका है, तो अब मैं तो आँख बंद करके भी ये सारे फिशेस का बहुत इत्मीनान से अपने घर पर ब्रीडिंग कर लेता हूँ। इसलिए ये सारे चीज़ में सीखने के लिए आपको बस और बस टाइम देना पड़ता है। धीरे धीरे आप अगर टाइम दीजिएगा तो धीरे धीरे आप देखिएगा अपने ही बहुत सारा नया चीज़ सीखेगा हर टाइम में। 5 साल हो जाने के बाद भी मुझे अभी भी बहुत सारा न्यू चीज़ सीखने को मिलता है जो कि मुझे नहीं पता है। ऐसा में बहुत सारा चीज़ जैसे जैसे मुझे पता चलता है कि हाँ ये चीज़ मुझे नया सीखने को मिला, तो वो सारा चीज़ मैं जल्द से जल्द वीडियो बना देता हूँ और वो सारी चीज़ को आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी कोई भी चीज़ का परेशानी ना हो। जैसे कि बेबीज़ का ग्रोथ क्यों रुक जाता है, बेबीज़ का ग्रोथ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था, बेबीज़ मेरा जल्दी बड़ा क्यों नहीं होता है, अडल्ट फिश क्यों नहीं बन पाता, इसका ग्रोथ एकदम ही स्टॉप क्यों हो जाता है, या फिर एक बार ब्रीडिंग हो जाने के बाद ये लोग फिर दोबारा ब्रीडिंग क्यों नहीं करता है। तो आप लोग अगर पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो कि अगर मेरा पहले का सारा वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे तो आप लोग देखेंगे ये सारे टॉपिक्स में मेरा पहले से बहुत सारा वीडियोज़ है। जब भी मैं कोई भी न्यू चीज़ सीखता था सब चीज़ को मैं अच्छे तरीके से डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर देता था, जिससे कि आप लोग भी अगर वो सारा चीज़ को देखेंगे तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे करके मेरा बहुत सारा न्यू एक्सपीरियंस हुआ है और अभी भी मैं बहुत सारा न्यू चीज़ सीख रहा हूँ ये सारे फिशेस से रिलेटेड। और बिलीव मी, अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है, अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड इस फिश का ब्रीडिंग करने, जैसे मैं भी स्टार्टिंग के टाइम पे था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था ये सारा फिशेस का ब्रीडिंग करने में, तो अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो ज़रूर से आप इस फिश को पिक कीजिएगा, क्योंकि इस फिश का नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। ये फिश जो है बहुत ही ईजिली आप ब्रीड करेंगे, बहुत ही ईजिली ब्रीड करेगी, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। फिशेज नॉर्मली बहुत ज़्यादा हार्डी होती है, बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं करती है, जिसके वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा मुसीबत आई, क्योंकि जो फिश बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती है उसके बाद हमको थोड़ा सा उसका टेक केयर वगैरह बढ़ जाता है, उसका जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना बढ़ जाता है। लेकिन ये फिश छोटी ही रहती है, लेकिन इसका क्वांटिटी जो है धीरे धीरे बढ़ाते रहती है। उसके साथ ही साथ ये फिश छोटी ही रहेगी, लेकिन देखिएगा आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेगी। जैसे एक पैरेट या फिर ऑस्कर आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करती है, बहुत सालों तक वो अगर आपके साथ रह जाती है, तो वैसी सेम ये फिश भी आपके साथ बहुत साल अगर रह लेगी तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेट करेगी, आपके साथ खेलेगी। छोटी होने के बाद भी ये फिश बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा समझदार होती है, ये तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। कई वीडियो में बताया कि ये फिश जो था वो अपना बेबीज़ को खा लेती है, कई बार मैं ऐसे भी बोला हूँ कि ये फिश अच्छी नहीं होती है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है, कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी मुझे लगता है कि ये फिश जो था कभी कभी अपनी बेबीज़ का टेक केयर भी करती है। कई बार मैं देखा हूँ वो जो भी फिश है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बेबीज़ का टेक केयर वगैरह कर रही है, उसको बर्थ देने के बाद चेज वगैरह नहीं कर रही, उसको भी समझ में आ रहा है कि ये सारा जो बेबीज़ है ये सब मेरा है। तो ये भी होता है, ये सारा चीज़ आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही सीखिएगा। जब आप भी देखिएगा आपके टैंक में ढेर सारा फिशेज जो वो बेबीज़ वगैरह दे रही है, तो ये सारी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा,
बहुत सारा नया नया सीख मिलेगा, क्योंकि ये फिश सबसे बेसिक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है किसी भी फिश का ब्रीडिंग करने के लिए। इसके बाद अगर आपको पैरेट में जाना है, ऑस्कर में जाना है, तो ये सारे फिशेज़ का जो एक्सपीरियंस है वो आपको वो सारे फिशेज़ में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए स्टार्टिंग के टाइम पे फर्स्ट टाइम अगर आप ब्रीडर बनना चाहते हैं, फिश ब्रीडर बनना चाहते हैं, सबसे पहले ये सारे फिशेज के साथ स्टार्ट कीजिए। बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे बेबीज़ का टेक केयर करना है। फिर धीरे धीरे पैरेट, ऑस्कर, ये सारे चीज़ में शिफ्ट कीजिए। उन लोगों को थोड़ा सा ब्रीडिंग करने का प्रोसेस अलग होता है, लेकिन बेबीज़ वगैरह टेक केयर, बेबीज़ का क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ सेम होता है। और मेनली मैं स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था ये लोग का ब्रीडिंग वगैरह को लेके, पेयर्स वगैरह को बाय करने का, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं उसको उन लोग के हाल में ही छोड़ दिया। तो मैं देखा वो कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप ब्रीडिंग करने लगा, मुझे कोई भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता था, अब तो नहीं पड़ता है एकदम भी। वो लोग क्या करते हैं कंटिन्यूसली देखिएगा, रेगुलर बेसिस में वो लोग ब्रीडिंग करते रहे और ढेर सारा मंथली प्राइस मुझे देते रहता है, जो कि अब मुझे उतना सारा प्राइस नहीं चाहिए, क्योंकि ये जितना भी फिशेज़ का ब्रीडिंग था ये सब चीज़ मैं आप लोग के लिए ही कर रहा था। मुझे भी थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन ये सारा चीज़ जितना भी फिशेज़ का ब्रीडिंग था ये मेनली आप लोग के लिए ही था, आप लोग के लिए ही सारा वीडियोज़ वगैरह बनाता था। लेकिन अब ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब मैं चाहता हूँ कि ये बंद हो जाए, लेकिन ये बंद ही नहीं होता है। मैं रेगुलर बेसिस में ये सारे फिशेज़ को फिश शॉप में दे देता हूँ, फ्रेंड्स को दे देता हूँ, बहुत कम फिशेज़, 3 या 4 सिर्फ अपने पास रखता हूँ। फिर से 2 महीना 3 महीना जैसे होता है वो पूरे टैंक को फिर से भर देता है। तो ऐसे करके अब मेरा पास बहुत सारा ये सारे फिशेज़ का बेबीज़ वगैरह है, ये फिशेज़ अडल्ट फिशेज़ वगैरह है, जो रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूसली ब्रीडिंग करते रहते। ये भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इस फिश का। ये जो फिश है ये हर सीजन पे ब्रीड करेगी, ऐसा नहीं है कि ये ठंडे के टाइम पे ब्रीड करेगी या फिर गर्मी के टाइम पे ब्रीड करेगी। बस आपको एक फेवरेबल टेम्परेचर रखना है, सारा रिक्वायरमेंट्स जो भी उसका सारा चीज़ को अगर आप सही टाइम टू टाइम फुलफिल कीजिएगा तो डेफिनेटली आप देखिएगा ऑल टाइम ऑल सीजन ये जो फिश है ये कंटिन्यूसली ब्रीड करते रहेगा, और उसका क्वान्टिटी जो है ये धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी एक न्यू हॉबिस्ट है जैसे कि मैं भी था कुछ साल पहले तक, अगर आप लोग भी चाहते हैं ये फिश का ब्रीडिंग करना है, कुछ भी अगर आप लोग पेट्स वगैरह से बहुत ज़्यादा प्यार है जैसे कि मुझे है, तो ये फिश के साथ ब्रीडिंग ज़रूर से कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश है, इससे आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, कई बार आप लोग को भी बहुत ज़्यादा अंदरूनी खुशी मिलेगा ये सारा फिशेज़ का ब्रीडिंग करते हुए, ये सारा फिशेज़ का टेक केयर करते हुए, वाटर चेंजेस करते हुए, ये सारा चीज़ में मुझे बहुत खुशी मिलता है। जितना भी स्ट्रेस वगैरह होता है सब मेरा कम हो जाता है, इसलिए भी मैं ये सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में करते रहता हूँ। ये पार्ट टाइम है, इसके साथ ही साथ मैं दूसरा भी बहुत सारा वर्क करता हूँ, लेकिन इसको भी मैं पार्ट टाइम जॉब की तरह इसको यूज़ करता हूँ। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और मेनली मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील होता है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, बहुत ही कोशिश किया हूँ छोटे से वीडियो में आप लोग के लिए दे पाऊँ। होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ हो। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।